हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही खास है, क्योंकि आज है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। तो खुशखबरी है कुछ इस तरह से कि आज है वंदना दीदी का बर्थडे। तो हमने घर में सारी तैयारियां कर ली है और मम्मी जी ने भी पात्री वगैरह दे दी है। जब जब वंदना दीदी का बर्थडे होता था तब भी मम्मी ऐसा ही करते थे और आज भी है, तो आज भी मम्मी ने ऐसा ही किया है। तो जब भी घर में किसी का जन्मदिन होता है तो मम्मी ये शुभ काम जरूर करते हैं, तो आज भी ये काम हो गया है। तो चलिए हम भी साथ में बोल देते हैं कि वंदना दीदी को जन्मदिन की बहुत 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 ज़्यादा बधाइयाँ हो। तो ये देखिए, सुबह सुबह भगवान का नाम लिया जा रहा है और मम्मी भी कितने सुंदर लग रहे हैं, सज धज के पात्री दे रहे हैं। तो वंदना दीदी और उनकी फैमिली हमारे घर पे आ रहे हैं, तो हमने भी तैयारियां पूरी कर ली है बर्थडे की। तो अंजना दीदी ने सारी तैयारियां कर ली है, तो चलिए मैं थोड़ी थोड़ी झलक आपको उन तैयारियों की भी बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, कंटिन्यू ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे घर में मेहमान भी आए थे, मामा और मामी जी। तो पहले उनकी थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखा दूँ। उनकी छोटी सी गुड़िया ने हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी, हम लोग मंदिर भी गए थे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि हम लोगों ने क्या क्या तैयारियाँ करी हुई है। तो आप लोगों को बता दूँ, आज है हमारी सिस्टर वंदना का हैप्पी बर्थडे, तो घर पर चली हुई है प्रिपरेशन। तो ये सारा सामान ले आए हैं बर्थडे के लिए, देख सकते हैं आप। बाकी बहन वंदना के लिए तो सरप्राइज ही होगा, बाकी दिखाता हूँ मैं और क्या क्या प्रिपरेशन की है। जहाँ पर बर्थडे केक कटेगा उस रूम को दिखाता हूँ आपको। तो ये है अंजना दीदी का रूम, तो यहाँ पे देख लीजिए हमने तैयारियाँ कर ली है वंदना दीदी के जन्मदिन की। तो देख लीजिए आप, पतिदेव ने ये गुब्बारे बनाए हुए हैं खुद अपने हाथों से, इनमें जो भी चित्रकारी करी हुई है वो खुद अपने हाथों से ही की हुई है। ये देखिए यूट्यूबर वंदना भारद्वाज, और आधे गुब्बारे मैंने बनाए हुए हैं इनमें डिज़ाइन, और आधे में पतिदेव जी ने बनाए हुए हैं। तो आज तो बहुत ही मस्त पार्टी होने वाली है, तो आप भी कल वाले ब्लॉग में ज़रूर देखना, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हम लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया। तो शानवी और मृदुल भी आने वाले हैं और साथ में संजीव भाई भी। तो ये सारा सामान दीदी ही लेकर आए थे मार्केट से, फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी में सजा भी दिया। और ये रहा बर्थडे गर्ल का केक, ये भी छोटी दीदी ही लेके आए हैं। तो पार्टी तो बहुत मस्त होने वाली है और बहुत ज़बरदस्त। तो बाकी बर्थडे के क्लिप मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी, जैसे ही वंदना दीदी आज यहाँ पे आएंगे केक काटेंगे तो वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो रही है पूजा अर्चना। तो मामी जी के साथ हम लोग गए थे मंदिर। तो मॉर्निंग में ये लोग तैयार हो गए हैं अपने घर के लिए, क्योंकि मामा जी को जाना है फिर ड्यूटी भी। तो यहाँ पे सुबह सुबह ही तैयारियाँ हो रही है और हमारी सृष्टि भी तैयार हो गई है। तो मैं आपको बता दूँ, ये मेरी सबसे छोटी ननद है, तो बहुत ही प्यारी है। देख लीजिए, ऐसी ननद किस्मत वालों को ही मिलती है। तो ये लोग तो चले जाएंगे आज घर, फिर हम इंतज़ार करेंगे वंदना दीदी का, वो उनकी और उनकी पूरी फैमिली हमारे घर आएगी आज। हाँ,
सृष्टि सृष्टि यार आए पापा गाड़ी में चलियो 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 सृष्टि ओ बाय बाय अपने इस बाबा से ऐसे मिलते तो राजी करी नहीं सृष्टि ठीक है करते ओके राजी करने में मुझे बाय बाय ओके बाय बाय तो यहाँ पे अब ये लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब ये तैयार भी हो गए हैं। और जो हमारी छोटी ननद है यानी मेरी ननद, तो उसने थोड़ा सा जिद कर ली कि भाभी को भी साथ लेके जाना है, तो यहीं यहाँ पे वही गपशप हो रही थी। तो सृष्टि ने एक ही जिद पकड़ ली कि भाभी चलो मेरे साथ, भाभी चलो मेरे साथ। चल 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 बैठ बैठ तो मेहमानों को घर भेजने के बाद हम लोग आ गए थे अपने गांव वाले घर। और यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा काम वगैरह रह गया था, तो हमने वही पूरा करना था क्योंकि टाइम भी अब नज़दीक आ रहा है, तो हमें पूरी तैयारियाँ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस मैदान में, छोटे से मैदान में सीमेंट डालने को रह गया था, सीमेंट पजरी। तो फिर हम ये छोटा सा टुकड़ा आज कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे मम्मी पापा और पतिदेव और मैं लगे हुए थे यहाँ पे काम करने, क्योंकि दिन को फिर बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम जल्दी जल्दी ये काम निपटा लेंगे। तो यहाँ पे आप सीमेंट बजरी देख रहे होंगे। तो गांव वाले घर से ही मैं चाय बना करके ले आई थी, पहले सोचा कि चाय वगैरह पी लें फिर उसी के बाद सारा काम करें। तो यहाँ पे ये सब काम चला हुआ था जोरों शोरों पर। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगले ब्लॉग को देखिएगा जरूर, क्योंकि अगला ब्लॉग जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और एक बार फिर से बन्ना दीदी को हैप्पी बर्थडे, मिलते हैं कल।